नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष फेडरेशन के अध्यक्ष चमन कपूर के बेटे दीपांकर कपूर को शादी की बधाई देने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मनाली पहुंचे। उनके साथ पंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी सहित दर्जनों भाजपा और कांग्रेसी नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बेटे दीपांकर को शुभ आशीर्वाद दिया। यह शादी समारोह मनाली स्थित स्नो फ्लेक्स रिजॉर्ट में हो रहा है। जयराम ठाकुर ने चमन कपूर उनकी धर्मपत्नी खुशबू को बेटे के शादी समारोह पर बधाई दी। जयराम ठाकुर के साथ भाजपा के अन्य शीर्ष नेता और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस शादी समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही शिमला से बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और कुल्लू जिला प्रशासन के शादी समारोह में आकर चमन कपूर के बेटे को शुभ आशीर्वाद दिया। हालांकि भाजपा के सभी विधायकों का इस शादी समारोह में आने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के चलते सभी विधायकों को वहां पर भेज दिया गया है, जिसके चलते अधिकतर विधायक इसमें शामिल नहीं हो सके। लेकिन शादी की धाम अभी बाद में रखी गई है, जिसमें सभी ने आने की हामी भरी है और मनाली स्थित स्नो फ्लेक्स रिजॉर्ट में अपनी एडवांस बुकिंग भी करवा ली है। इसके बाद मंडी जिला के सरका घाट में भी 19 नवंबर को धाम का आयोजन होगा, जिसमें भी विधायकों नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने आने की इच्छा जाहिर कर दी है। इसके साथ ही शादी समारोह में कई जाने माने गुरुओं के भी आने की संभावना है। इसमें अक्षर योग वाले गुरु अक्षरनाथ जी भी मनाली पहुंच चुके हैं। शादी समारोह में हिमाचल प्रदेश और कुल्लू व लाहौल जिला की संस्कृति की समृद्ध झलक देखने को मिली है। कुलवी नाटी पर मेहमानों के पैर जमकर थिरके। बता दें कि नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष फेडरेशन के अध्यक्ष चमन कपूर के बेटे दीपांकर और बागवान मनु शर्मा की बेटी जानवी शर्मा एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों की शादी 5 नवंबर से 10 नवंबर तक मनाली में आयोजित हो रही है। कुठेड़ा बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।